फीफा विश्व कप अंडर 17 के लिए भारतीय महिला टीम की घोषणा की जा चुकी है, जिसमें गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड के अष्टम उराव को राष्ट्रीय टीम का कप्तान बनाया गया है। वहीं परिजन सहित पूरे बिशुनपुर प्रखंड में खुशी की लहर छाई हुई है। इस मौके पर राष्ट्रीय टीम की कप्तान अष्टम उराव के पिता हीरालाल उराव ने कहा कि आज मुझे अपनी बेटी पर बहुत गर्व है, जो पूरे दुनिया में अपनी प्रतिभा के दम पर नाम रोशन कर रही है। उन्होंने बताया कि गरीबी के कारण किसी प्रकार वह अपने बच्चों का परवरिश किए, परंतु शिक्षा और संस्कार देने का भरपूर प्रयास किया है, जिसका नतीजा आज सामने है। बिशुनपुर जैसे जगहों पर खेल की कोई सुविधा नहीं होने के बावजूद भी आज वह भारतीय महिला टीम की कप्तान बन गई, इससे मुझे काफी गर्व महसूस हो रहा है। वहीं अष्टम उराव की माँ तारा देवी ने बताया कि अष्टम शुरू से ही एक जुझारू बच्ची थी। वह अपने जिस काम को ठान लेती थी पूरे मन के साथ करती थी, यही वजह है कि आज इस मुकाम तक पहुँच पाई है। वहीं उन्होंने कहा कि मैं अपनी सभी बच्चों को माड़ भात और बोतल भात खिलाकर परवरिश की हूँ। इस मौके पर अष्टम उराव को बधाई देते हुए राज्यसभा सांसद समीर उराव ने कहा कि अष्टम उराव का कप्तान बनना बिशुनपुर सहित पूरे झारखंड राज्य के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि खेल के क्षेत्र में झारखंड का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। वहीं चैनपुर की रहने वाली सुधा अंकिता तिर्की टीम में शामिल होकर न सिर्फ गुमला का नाम रोशन कर रही है, बल्कि पूरे देश का नाम रोशन कर रही है। इधर टीम में सुधा अंकिता तिर्की का नाम आने पर गुमला में सभी जगह पर हर्ष का माहौल है। वहीं जैनपुर के सभी लोगों में खुशी देखी जा सकती है। मैं तो बहुत खुशी की बात है, जबकि गांव घर देहात से, जबकि भारत देश बाहर विदेश खेले जाते, इसलिए बहुत खुशी हूँ और गर्व फील हूँ कि और आगे जाके और अच्छा खेल करें और अच्छा दिखाए, ताकि देश या ये झारखंड के या फिर जिला या गांव घर या प्रखंड के और राम रोशन हो, ताकि और भी बच्चे आगे जाके अच्छा तैयारी करें और अच्छा खेल दिखाएं, ताकि यही सब देखते देखते आगे और बढ़ते जाए, ताकि इस देहात क्षेत्र भी गरीब क्षेत्र हो के भी आगे जाते हैं, तो कह लिए तो मैं खुशी की बात है। और आगे का कह चाहूँ कुछ, तो जैसे पढ़ाई के बारे में, पढ़ाई तो मैं बहुत गरीब से झलक पड़लक गरीब रहूँ और किसी तरह उनके बनारी आर्ट्स मिडिल स्कूल में डालो खेल में उसका बहुत रुचि रहे पहले बचपन से। उनके बाद में मुझे पढ़ाई में कुछ तकलीफ होलक, तो मैं घर से निकल के बाहर मजदूरी कमाए निकल गए, जे कि मैं 7-8 साल बाहर में ही रहूँ। उसके बाद में बाहर ही मुझे कुछ पैसा के मांग होते रहते हैं, बाहर करके डाल देते रहूँ, उसी में उनका पढ़ाई लिखाई होलक, ताकि मैं भी अपन ध्यान दे लें, कोशिश अपन बहुत कोशिश कर लें, ताकि इतना थोड़ा अपन लाइक और आके अपन जगह में आए गए, इसलिए मैं बहुत गर्व हूँ। हमारे गांव की बेटी अष्टम उराव आज जो भारतीय महिला टीम के जो कप्तान बन गई है, उसमें हम लोग के गांव को, पंचायत को, हमारे झारखंड राज्य को, हम गुमला जिला को बहुत गर्व की महसूस हो रही है कि हमारे एक आदिवासी गरीब किसान की बेटी अभी भारत में जाके अपना नाम रोशन कर रही है, भारत की कप्तान बन रही है। मैं बनारी मुखिया आगे आने वाले दिन के लिए अष्टम उराव की टीम को सारे टीम को बधाई देना चाहता हूँ कि अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करें और हम लोग को अच्छा दिखने में लगे और हम यही सब करके अंत करें।